यूपीएससी के थ्रू जो एग्जामिनेशन होते हैं जजेस के लिए जुडिशरी के, उसको क्लियर किया है 26 बैंक एग्जाम। तो इसमें जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो मेरे अपा को जाता है, इन्होंने एक सप्ताह देखा और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट द जर्नी। मतलब हमारी कम्युनिटी में मेरी हाईली एजुकेटेड और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के ऊपर मेहनत करने वाली एक व्यक्ति हूँ। और सेकेंड मैं चाहता हूँ जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू इंटरव्यू तक, वही मेरे साथ है स्कूल में कॉलेज में हर जगह। तो फैमिली सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, सो फैमिली में भी बहुत सपोर्ट करना चाहिए। और मेहनत तो बहुत थी लेकिन मेहनत के साथ साथ दुआ भी बहुत ज़्यादा थी। सभी हमारे सब रिलेटिव के इवन गाँव में भी जो लोग हैं उन्होंने भी बहुत दुआ की थी कि इंटरव्यू जल्दी से क्रैक हो जाए। और तो फाइनली इंटरव्यू क्रैक हो गया और पूरे जो लिस्ट थी उसके अंदर से 6 लोग ही थे जो उसके कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। आउट ऑफ दैट 3 लड़कियाँ थी और 3 बॉयज थे। सो मेरा जो रैंक है वो सबसे ऊपर था टेंथ का, जो मेरा 26 रैंक है। और हमारा जो बैकग्राउंड है, सो तुमने अगर कोई गोल डिसाइड किया और उसके टूवर्ड्स वर्क किया तो तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, या तुम्हारी फाइनेंशियल कैपेसिटी या तुम्हारा एजुकेशन बैकग्राउंड। मतलब हमारे घर में कोई भी हाईली एजुकेटेड एक्सपर्ट नहीं है, बस मतलब हमारा ही घर है जहाँ पर मेरे बहन भाई ग्रेजुएशन करके सीखे हुए हैं, वो भी मेरे अपा की वजह से। और उसके अलावा ऐसे गाइडेंस करने वाला एक्सपर्ट कोई नहीं था, उन्होंने ही मुझे बोला था कि तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स करना है, बचपन से बोला कि तुम कर सकती हो कर सकती हो। तो एक पॉजिटिविटी जो होती है वो माँ बाप भी हमें देते हैं कि तुम कर सकते हो, क्योंकि उनके अलावा हमारी कैपेबिलिटी को कोई अच्छे से समझ भी नहीं सकता। और वो जो सपोर्ट है वो जो कैपेबिलिटी पॉजिटिविटी देने का काम मेरे अपा ने किए हमेशा हर जगह, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किए। क्योंकि मेरा ऐसे था, मेरा 10th तक का एजुकेशन मराठी मीडियम से था, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि इंग्लिश में तुरंत उसको ये करके आगे की एजुकेशन लेना। बट उन्होंने मुझे समझाया कि तुम कर सकते हो, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है। तो वो माँ बाप भी होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो सारे माँ बाप के बच्चों के एजुकेशन भी टूवर्ड बहुत वर्क करना चाहिए। और बस मेहनत करो, सब कुछ आसान है और सब कुछ अच्छी हो सकता है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से एक सर रिक्वेस्ट थी कि बच्चों को जब करियर गाइडेंस का जो होता है ना, ये पता होता है कि ये बनना है लेकिन वो कैसे बनना है तो किसी को नहीं पता। और मोस्टली अगर अभी कोई सोचता है कि हमें पायलट बनना है लेकिन उसका जो क्या वे है, एजुकेशन क्या लगता है, या हम उस जगह उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के क्या क्राइटेरिया है वो पता नहीं होता। तो जो 10th स्टैंडर्ड के बाद के जो बच्चे हैं उनको करियर गाइडेंस का एक हर महीने या हर साल में कोचिंग प्रोग्राम करके एक एक्सपर्टाइज मेंबर को आप ताकि वो पूरा उनको इन्फॉर्मेशन दे सके कि अगर उनको डॉक्टर बनना है तो इतने सारे स्किल्स है, उनको इतना हमारे एजुकेशन भी होना चाहिए या ये एग्जाम्स उनको क्रैक करने चाहिए। तो बच्चों को एक वे पता होता है फिर वो उसके थ्रू काम करना शुरू करते हैं, तो वो एक कर सकते हैं। और पढ़ाई करो तो सब कुछ बहुत आसान है, मेहनत के तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। एज मैंने ये जब उनके थ्रू मैंने 12 घंटे तक पढ़ाई की है सुबह से लेकर शाम तक, और मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। तो बस सबकी दुआएं और मेहनत से सब कुछ हासिल हो सकता है, तो अल्लाह सबको अच्छी हिदायत दे और सबको कामयाब दे। बड़ा मुकाम है वैसा करना, इसके लिए मैं टेंथ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ये मुकाम तक पहुंचे। और आज का ये जो इस्तकबाल का बक्का सर और बाकी के उनके जो सब साथी उन्होंने इस्तकबाल किया उसके लिए मैं टेंथ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक एग्जाम पर पहुंच गए, रुतबे पर पहुंच गए, तो हम सारे कौम उसको खुशामदीद कहने के लिए, उसका इस्तकबाल करने के लिए दौड़ पड़े। अगर खनगांव से कोई बच्चे आईएएस या आईपीएस हो जाए आज, तो हम सब के सब दौड़ पड़ेंगे उसको उसका इस्तकबाल करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उस जगह पर, उस जगह को बनाने के लिए या उस जगह को आगे बढ़ाने के लिए
करना और उनके वालिद की मेहनतों का नतीजा है कि आज हमारी बहन एक जज की शक्ल में उनको नजर आई है। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने इस कुरान पर अमल किया है, एक प्रैक्टिकल हमारे सामने पेश किया है और इस मुकाम के झंडे को उठाया है और आगे जाकर सिर्फ और कम्युनिटी बेस्ड जजमेंट नहीं देंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये फैसले जो होंगे देश के हित में, देश की कम्युनिटीज के हित में, इंसानियत के हित में।